इस वीडियो में बेस्ट टैबलेट सजेस्ट करने वाली हूँ हर एक प्राइस पर। मैंने गेमिंग, नोट टेकिंग और मल्टीटास्किंग के लिए कुछ टैबलेट सेलेक्ट किए हैं और उनकी प्राइस भी वही रहने वाली है जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन में रहेगा सैमसंग का टैब S6 Lite। अगर 15,000 के नीचे की प्राइस पर ये टैब आपको मिले तो आप इसे बाय कर सकते हो। ये टैब भले ही पुराना हो गया हो लेकिन नोट टेकिंग के पर्पज से ये आज भी बेस्ट है क्योंकि यहाँ प्रॉपर एस पेन का सपोर्ट है और एस पेन भी आपको इसके बॉक्स में ही मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है और कॉम्पैक्ट साइज है तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी इस पे काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 60Hz की रिफ्रेश रेट है और सॉफ्टवेयर भी इसका पुराना हो गया है तो ये बात माइंड में जरूर रखें। इसका अगर 2024 मॉडल लॉन्च हुआ होता तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहता। बट अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो 20,000 के नीचे iPad 9 मेरी नेक्स्ट सजेशन रहेगा क्योंकि 20,000 के नीचे iPad 9 एक बेस्ट iPad हो सकता है जहां नोट राइटिंग हो या फिर कंटेंट वॉचिंग सब अच्छा रहेगा। हाँ, उसकी पेंसिल अलग से परचेस करनी पड़ेगी जो कि इजीली मिल जाती है क्योंकि एप्पल की थर्ड पार्टी एसेसरीज हर प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट एंड्रॉइड में मेरा सजेशन रहेगा 20,000 से 25,000 की प्राइस पर टैब S9 FE और S9 FE Plus। S9 FE 20,000 से 21,000 में और S9 FE Plus 24,000 से 25,000 में मिल सकता है इस फेस्टिवल सेल में। दोनों ही टैब नोट टेकिंग के पर्पज से बेस्ट है क्योंकि दोनों में ही एस पेन का सपोर्ट है और एस पेन भी आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा। S9 FE एक कॉम्पैक्ट साइज टैबलेट है जहां नोट टेकिंग तो अच्छी रहेगी ही साथ ही यहां बिल्ड क्वालिटी भी टॉप क्लास की मिल जाती है और यहां कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। वहीं जो लोग बड़ी डिस्प्ले प्रेफर करते हैं वो सैमसंग का टैब S9 FE Plus भी बाय कर सकते हैं। वहां 12.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है और बड़ी डिस्प्ले पर नोट राइटिंग तो ऐसा लगता है जैसे रियल पेन और पेपर पे कुछ राइट कर रहे हैं और बड़ी डिस्प्ले है तो यहाँ कॉन्टेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है और यहाँ बैटरी साइज भी काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल 25,000 की प्राइस में ये एक अच्छी डील हो सकता है। वही अगर कुछ लोग गेमिंग पर्पस से टैब बाय करना चाहते हैं तो 25,000 की प्राइस पर OnePlus Pad भी एक अच्छा टैब हो सकता है। ये टैब पिछले 6 से 7 महीने से मेरे घर में कंटिन्यूस यूज हो रहा है। इस टैब पे कॉन्टेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। अगर किसी बंद रूम में हम इसमें कोई मूवी देखें ना तो ऐसा लगता है किसी छोटे से हॉल में हम मूवी देख रहे हैं क्योंकि इसके स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी लाउड है। लेकिन अगर हम इस पर नोट राइटिंग करने की सोचे तो इसकी पेंसिल हमें अलग से परचेस करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही रेयर इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ज्यादातर टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। लेकिन अगर इसकी पेंसिल भी मिल जाए तो 25,000 की प्राइस पर यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर जो लोग सिर्फ iPad ही बाय करना चाहते हैं तो 25,000 की प्राइस पर iPad 10 भी एक अच्छी डील हो सकता है जो हर स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जहां टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और एक पावरफुल प्रोसेसर। यहां A14 बायोनिक चिप है जिससे थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और यहां गेम भी खेले जा सकते हैं। नोट टेकिंग और नोट राइटिंग के लिए यहां पेंसिल अलग से परचेस करनी पड़ेगी। यहां टाइप सी पेंसिल का सपोर्ट है जो कि इजीली मिल जाती है तो 25,000 के अंदर ये भी मेरी रिकमेंडेशन में रहेगा। नेक्स्ट सजेशन मेरा रहेगा एंड्रॉइड में टैब S9 और iOS में iPad Air 5। इन दोनों का प्राइस लगभग 35,000 हो सकता है 1-2,000 इनका प्राइस ऊपर नीचे हो। iPad Air 5 इस प्राइस पर बेस्ट टैबलेट हो सकता है। एप्पल की M1 चिप इतनी पावरफुल है कि 50,000 से 60,000 वाले लैपटॉप से भी बेटर परफॉर्मेंस दे देगी। यहाँ सिर्फ 60Hz की ही रिफ्रेश रेट है लेकिन M1 चिप की पावर और iOS की स्मूथनेस इसे अगले 3 से 4 साल तक भी स्लो फील नहीं होने देगी। यहाँ हम वीडियोज एडिट कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं और नोट टेकिंग एंड नोट राइटिंग भी यहाँ बेस्ट रहेगी। वहीं अगर टैब S9 की बात करो तो इसका S पेन हमें बॉक्स में ही मिलता है और उसका S पेन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। टैब की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक काफी प्रीमियम है और इस टैब में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिससे कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव रहता है। नोट राइटिंग के लिए सैमसंग का नोट ऐप काफी एडवांस्ड है। यहाँ इसके S पेन से काफी फीचर्स यूज किए जा सकते हैं। यहाँ इसमें हमें एयर कमांड और एयर जेस्चर के फीचर भी मिलते हैं जिसमें एस पेन की हेल्प से हम कोई भी ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि काफी पावरफुल है और उसकी हेल्प से हम यहाँ वीडियो एडिट भी कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं। 35,000 की प्राइस पे ही OnePlus Pad 2 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ 12.1 इंच की डिस्प्ले है और इस टैब में 144Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है। इस टैब में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि काफी पावरफुल है जहां हम वीडियो एडिटिंग के साथ साथ
हाई एंड सेटिंग्स पर गेम्स भी खेल सकते हैं। इस पैड में 6 स्पीकर्स का सपोर्ट है जहां इसकी साउंड क्वालिटी टॉप नॉच रहेगी और इसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी यहां काफी अच्छा रहेगा। नोट टेकिंग के लिए यहां OnePlus Stylo 2 का सपोर्ट है जो कि इसकी वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। तो 35,000 की प्राइस पर ये पैड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट सजेशन मेरा रहेगा 40,000 से 45,000 के बीच में टैब S9 प्लस, जहां S9 जैसे ही सेम फीचर्स मिल जाएंगे, डायनामिक एमोलेड 2S डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, लेकिन इसका डिस्प्ले साइज S9 के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा रहेगा और डिस्प्ले बड़ी रहेगी तो नोट टेकिंग भी यहाँ अच्छी रहेगी। साथ ही यहाँ बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी मिलेगी और बड़ी डिस्प्ले पर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट सजेशन रहेगा 48,000 से 50,000 के बीच में iPad Air M2। इस iPad में लेटेस्ट M2 चिप मिल जाती है जो कि इसे फ्यूचर प्रूफ बना देती है और इस iPad में वीडियो एडिटिंग के साथ साथ बड़े बड़े गेम भी खेले जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए ये iPad ऐसा रहेगा कि इस फेस्टिवल सेल में इसे बाय करके अगले 4 से 5 साल तक किसी दूसरे टैब को देखने की जरूरत ही नहीं है। इस iPad में फुल्ली लेमिनेटेड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पेंसिल यूज करने और कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट सजेशन रहेगा 60,000 से 65,000 के बीच में टैब S9 अल्ट्रा, जहाँ 14 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। जो लोग बड़ी डिस्प्ले प्रेफर करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी डील हो सकती है। बड़ी डिस्प्ले पर नोट राइटिंग हो, कंटेंट वॉचिंग हो या फिर मल्टीटास्किंग हो, सब एक नंबर ही रहेगा। यहाँ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि ऑलरेडी काफी पावरफुल है, तो यहाँ हम गेमिंग भी कर सकते हैं। बड़ी डिस्प्ले होने का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इसे कैरी करना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, तो इस बात को माइंड में जरूर रखें। बाकी एंड्रॉइड में ये बेस्ट टैबलेट है। इसके बाद अगर आपको परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्टनेस, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर सब कुछ फर्स्ट क्लास चाहिए तो iPad Pro M4 85,000 से 90,000 के बीच में इस फेस्टिवल सेल में बाय कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, फिर चाहे प्रोसेसर हो या फिर सॉफ्टवेयर। यहाँ गेमिंग भी कर सकते हैं, नोट राइटिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। नोट राइटिंग के लिए इसका पेंसिल प्रो अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये iPad इस फेस्टिवल सेल में लेके अगले 6 से 7 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं, वो भी टॉप क्लास परफॉर्मेंस के साथ। इनके अलावा अगर किसी को पेन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कैजुअल यूज के लिए टैबलेट बाय करना है, तो सैमसंग का टैब A9 प्लस 12,000 की प्राइस पर अच्छा टैबलेट है, उसे बाय कर सकते हैं। Xiaomi Pad 6 जो कि 20,000 की प्राइस पर मिल सकता है, नॉर्मल गेमर्स इसे भी बाय कर सकते हैं। Honor का Pad 9 जो कि 16,000 की प्राइस पर मिल सकता है और यहाँ तो इसके साथ इसका कीबोर्ड भी फ्री मिलता है, तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। Redmi Pad Pro जो कि 17,000 की प्राइस पर मिल सकता है, इसमें बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही क्वाड स्पीकर्स भी, तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ भी अच्छा रहेगा और यहाँ हम थोड़े बहुत गेम भी खेल सकते हैं। बाकी इन टैब्स में बुक रीडिंग भी कर सकते हैं और अगर बुक रीडिंग करते टाइम थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग करनी हो तो हम यूनिवर्सल स्टाइलिश यूज करके वो भी कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ सजेशन। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।